कुदवा की रोटी एवं चना की भाजी खाने से जिले के ग्राम गढ़ी पड़रिया में एक किसान परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें शनिवार को आनन फानन में जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। पन्ना जिले के ग्राम गढ़ी पड़रिया में एक किसान परिवार के 5 लोगों को कुदवा की रोटी चने की भाजी खाई। ईश्वर दीन कुशवाहा, उसकी पत्नी सखीबाई, अश्विनी कुशवाहा, राजकुमार और अन्नू कुशवाहा बीमार हो गए। किसान परिवार ने घर में शनिवार को लंबे समय बाद कुदवा की रोटी बनाई। इसके साथ में चने की भाजी और चावल बनाए। इसे पूरे परिवार ने बड़े स्वाद के साथ एवं एक साथ बैठकर भोजन किया। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आना शुरू हो गए, उल्टी होने की शिकायत होने लगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि एक परिवार के 5 सदस्य भर्ती हुए हैं, जिन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। सभी का इलाज चल रहा है। आनन फानन में घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुदवा की रोटी इन दिनों बहुत कम खाने के लिए मिलती है। क्षेत्र में अब कम किसान कुदवा की खेती करते हैं। करीब 20 साल पहले पन्ना जिले में कुदवा की फसल ज्यादा होती थी। लोग ठंड के मौसम में कुदवा की रोटी एवं चने की भाजी को खाना बहुत पसंद करते थे, जिसके खाने से बहुत से लोगों को नशा चढ़ता था। वो कुदवा की रोटी खाई, उसमें क्या मालूम क्या हुआ, मालूम नहीं। उसमें से उनको पलटी हुई, ठंड लग रही, चक्कर भी आ रहे, बस यही प्रॉब्लम है। 5 फूड पॉइजनिंग के मरीज एक ही परिवार के भर्ती हुए हैं। उनको भर्ती कर लिया गया है, उनका प्राथमिक उपचार जारी है और विशेषज्ञ चिकित्सक को भी बुलाकर उनकी जाँच कराई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, एक मरीज शायद गंभीर अवस्था में है, उसको मेडिकल विशेषज्ञ से दिखाकर आगे का उसका उपचार सुनिश्चित किया जाए।